आजाद भारत की पहली सरकार के गठन के बाद से ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठी थी। सबसे पहले 1949 में तेसवांग रिगजिन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मुलाकात कर लद्दाख को कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी और 1949 से 5 अगस्त 2019 तक यह आंदोलन लगातार चला है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग थी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। और इस पूरे आंदोलन को लीड किया था लद्दाख बौद्धिस्ट एसोसिएशन ने, उसके चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ है पीटी कुंजांग जी। पीटी कुंजांग जी, इतना लंबा समय आंदोलन का, इतनी लंबी लड़ाई, इतना लंबा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन, कैसे आप लोग इस सफलता तक पहुंच सके, कैसे आप लोगों को केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल पाया? सर, ये एक बहुत ही एक लंबा सफर रहा है। जैसे हमने कहा कि 1949 से लेके 2019 तक ये हम स्ट्रगल करते रहे और टाइम टू टाइम हमने इस मुद्दे को कभी हमने इसको कमजोर पड़ने नहीं दिया और टाइम टू टाइम हमने इस मुद्दे को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर हमने रखा। और कल 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जिसमें लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। हम सब लद्दाखी इससे बहुत ही खुश हैं और मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और पूरे लद्दाखियों की ओर से श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये एक ऐतिहासिक कदम लेते हुए हमारे लद्दाखियों के एक बहुत बड़े डिमांड को पूरा किया। कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में रही, वो आपकी इस मांग को पूरा क्यों नहीं कर पाई? अब मैंने आपको बताया कि इन 70 सालों में हमारे डिमांड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनका भी सरकार रहा हो कभी इसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कभी भी इस बात को तवज्जो नहीं दी। और अभी मोदी गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया तो ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है। हम सब मोदी गवर्नमेंट का, श्री अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ऐसा एक काम करके दिखाया जो आज तक पिछले 70 साल में कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लेकिन सर, आपने टीवी देखा होगा, कल राज्यसभा में जिस तरह से धारा 370 को स्क्रैप किया गया, क्योंकि बिना उसको स्क्रैप किए यूनियन टेरिटरी घोषित करना संभव नहीं था। उसके बाद यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, उस वक्त राज्यसभा की जो तस्वीर थी, कोई कुर्ता फाड़ रहा है, कोई जमीन पर बैठ रहा है, संविधान की प्रतियां फाड़ रहा है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आखिरकार वो ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं और उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं यही जवाब देना चाहूंगा सर कि जिन्होंने ऐसे अपने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने अपने वोट बैंक के फायदे के लिए आज तक इस डिमांड को 70 साल तक लटकाया गया, और जिन्होंने भी कल इसके फेवर में वोटिंग किया मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जिन्होंने इसके फेवर में नहीं किया उनका एक राजनीति था, इसमें पॉलिटिसाइज हो चुका था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि लद्दाख को यूटी मिले, आर्टिकल 370 हटे, जम्मू कश्मीर में इस स्पेशल स्टेटस को हटाए, वो लोग फेवर में नहीं थे। मगर ऐसे डिसीजन लेने के लिए एक बहुत ही बड़ा आपको बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है, तो उसमें कल जिन्होंने अपोज किया उनको भी कल मुंह तोड़ जवाब मिला, और जिन्होंने फेवर किया उन सबके कोशिश की वजह से कल जम्मू कश्मीर में एक नया एक चैप्टर शुरू हुआ, आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ, यूटी डिक्लेयर किया गया और साथ में लद्दाख को भी यूटी डिक्लेयर किया गया। ये हमारा बहुत पुराना मांग था, इससे हमें आने वाले दिनों में लद्दाख को यूटी मिलने के बाद एक नया यहाँ पे युग शुरू होगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट्स का, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगा, हमारे आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हमें बहुत सारी मदद मिलेगी। तो यूटी मिलने से हम पूरे लद्दाखवासी बहुत खुश हैं और इसका हमें भरपूर फायदा मिलेगा। तो देखिए, साफ तौर से यहाँ पे एलबीए के प्रेसिडेंट का मानना है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने से लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है, लद्दाख में विकास, नए रोजगार और लद्दाख की जो सभ्यता व संस्कृति है उसको बचाए रखने में अब बड़ी मदद मिलेगी। कैमरामैन प्रशांत स्वामी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लेह लद्दाख। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है, क्या कहना चाहेंगी? हमें बहुत खुशी है जी, ये जो बहुत सालों से मेहनत किया हुआ फल मिला, इसलिए हमें बहुत खुशी है। हम जो इंडिया गवर्नमेंट के साथ पहले भी हमारे लोगों ने बोला है, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट के साथ रहने के लिए हमें बहुत बहुत उन्होंने जो मोदी सरकार, अमित शाह, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, उनके लिए हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। क्या लद्दाख में अब डेवलपमेंट, विकास होगा? होगा जी, बहुत होगा, वो लोग करेगा तो बहुत होगा जी। अब तो गवर्नमेंट उनके हाथ में है, हमारा यहाँ जो
इतना जो फसल होता नहीं है, इतना नहीं होता, वो लोग हमें देखेगा, इसलिए हमें उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद दे रहे हैं विकास। हुआ क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री यांगरोल। क्या कहना चाहेंगी, केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ है लद्दाख? हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया धन्यवाद। हमारे जमयांग श्री नामग्याल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लद्दाख में झूले बता उनको भी बहुत बहुत झूले। वो हमारे लिए बहुत शुभकामना, बहुत अच्छा लड़का आया, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। लद्दाख सब उस हम लद्दाख की सब के तरफ से उन सब बीजेपी गवर्नमेंट को झूले, थैंक यू, बाय बाय। एक कदम दस का निकला दम, सियासी पिच पर मोदी शाह का पराक्रम, राष्ट्रवाद शाम 5:55। पुराने जम्मू शहर का ये रघुनाथ मंदिर का इलाका है। मेरे पीछे आप रघुनाथ मंदिर देख सकते हैं और यहाँ पे जो है आज की सुबह जो है एक नई सुबह है। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरह से आराम से चल रहे हैं यहाँ पे। हालांकि सेक्शन 144 लगने की वजह से कई लोग जो हैं अपने घरों से निकल के यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो 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 अपने अपने इलाके के रहने वाले हैं देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्मल है यहाँ पे। दुकानें जो हैं खुलने की, यहाँ पे शाम को दुकानें खुल जाती हैं। ये होटल है, भोजनालय जो है, ये होटल जो है ये खुला हुआ है। इस तरफ देखें ये बेकरी यहाँ पे खुली हुई है, क्योंकि यात्री जो है माता वैष्णो देवी के वो यहाँ पे आते हैं और इसी इलाके में मंदिर की तरफ भी जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे, क्योंकि अभी शाम होते होते जो है इन पूरे इलाकों में जो है ये पूरे इलाके जो है खुल जाते हैं। आपसे बात करते हैं कि ये जो आज जो है कैसा महसूस कर रहे हैं ये 370 जाने के बाद और ये 35 से जाने के बाद? ये तो एक तरह की आज़ादी है हमारी। हम जो जकड़े हुए थे आज तक कश्मीरी हुकूमत के अंडर लीडरशिप ऑफ कश्मीरी पीपल्स, आज हम लगता है कि अब हमारा कुछ हुआ, हमारी कुछ डेवलपमेंट होगी। ये मंदिर बाजार है, ये रघुनाथ मंदिर वर्ल्ड फेमस है। इसका हालत देखो आगे पीछे, ये लोकेशन देखो, इधर दुनिया होनी चाहिए थी, आज इधर एक बंदा नहीं है। अभी तो चलो कर्फ्यू है, लेकिन आने ऐसे आम दिनों में भी देखोगे इधर कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गवर्नमेंट की विल पावर नहीं थी ऐसे। अब विल होगा, अब गवर्नमेंट नेशनल लेवल की गवर्नमेंट आ रही है, अब विल होगा, इधर टूरिज्म आएगा, टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, हमें फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली फ़ायदा हमें होना है। तो ये एक तरह की एंजॉयमेंट, मतलब खुशी, जॉय, जिंदगी में कुछ हुआ है, एक टोटली बदलाव, इसे आप बदलाव कह सकते हैं। अमित गुप्ता।
आर्टिकल 370 के खात्मे के विरोध पर अमित शाह का बड़ा हमला, कांग्रेस से पूछा कश्मीर पर अपनी नीति साफ करे कांग्रेस। कश्मीर को यूएन से जोड़ने वाले बयान पर घिरे अधीर रंजन, सोनिया गांधी हुई नाराज, सोनिया ने मनीष तिवारी के भाषण की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पुनर्गठन बिल का बताया असंवैधानिक, कहा फैसले के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। हादसों से दहला उत्तराखंड, स्कूली बच्चों की वैन खाई में गिरी, 9 की मौत, बद्रीनाथ हाईवे पर हादसे में गई 5 की जान। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से जगह जगह पर ट्रैफिक जाम, गाजियाबाद में जमीन में समाई सड़क, महाराष्ट्र में सांगली कोल्हापुर समेत कई शहरों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट। पावर्ड बाय इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केयर। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद को भारत की संसद बनना चाहते हैं, तो ये संवैधानिक त्रासदी है। तो अगर कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं, आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते, ऐसा माहौल मत फैलाइए। नहीं, कभी नहीं। तीन सौ सत्तर हो चाहे 35A हो, ये एक कलंक था। यदि आज मुखर्जी जिंदा होते वो ये कहते, गो एंड टेल द वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 3। जम्मू कश्मीर जिसका पुनर्जन्म हुआ तो देश के कोने कोने से एक ही आवाज उठी, मोदी है तो मुमकिन है। मान्यवर, महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। धारा 370 जो कश्मीर को अलग संविधान, अलग झंडा, अलग कानून और अलग पहचान दिया करती थी, अब उस धारा का खात्मा हो चुका है।
इस देश को दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दिए। कोई प्रधानमंत्री तो बन सकता है, और जम्मू कश्मीर में जिसने शरण ली वो काउंसिलर नहीं बन सकता है। ये कहां क्या न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। ये कहां का न्याय है? अब ना कोई भेदभाव, ना कोई बंदिशें। 70 साल पहले जम्मू कश्मीर रियासत के माथे पर जो कलंक लगा उसे मोदी सरकार ने धो डाला और न्यू इंडिया में नए और बदलते कश्मीर की पूरी पटकथा लिख डाली। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है, और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। 5 अगस्त की सुबह एक ऐतिहासिक फैसला आया और सियासी चाणक्य और देश के गृह मंत्री के ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर पर लगा धारा 370 का ग्रहण खत्म हो गया और ये फैसला कश्मीर में एक नई सुबह लेकर आया। लेकिन इन सब से दूर अतीत के पन्नों में कुछ ऐसा था जो किसी ऐतिहासिक भूल से कम नहीं, जिनकी वजह से नाजायज धारा 370 कश्मीर में पैदा हुई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला कश्मीर को भारत में विलय से पहले एक मुस्लिम देश बनाना चाहते थे। आजाद कश्मीर का सपना देखने वाले शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिले। 26